हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ बटू मनी के लास्ट सीरीज को लेके, जहाँ पे हम लोग 10 से लेके 12 तक के सारे एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज के दो वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख के आओ, और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था साकामोतो जब खाने के ट्रंक के पास जाता है, तब वो लड़का अपने मुंह से रिमोट को दबा देता है, जिससे कि सारे के सारे बॉम्ब फट जाते हैं। लेकिन साकामोतो नहीं मरता, वो सरवाइव कर जाता है। तो साकामोतो कैसे सरवाइव करता है? क्योंकि साकामोतो खाने के ट्रंक के पास कभी गया ही नहीं था, वो उससे बहुत दूर था। लेकिन उस लड़के को लग रहा था कि वो खाने के ट्रंक के ऊपर है। क्यों? क्योंकि साकामोतो, वो लड़का और वो खाने का ट्रंक एक ही लाइन पे था। तो पीछे से देख के ऐसा ही लग रहा था कि साकामोतो ट्रंक के ऊपर है। तब वो लड़का जब उस स्विच को दबाता है, उस रिमोट को दबाता है, तब बम तो फटता है, लेकिन साकामोतो उससे नहीं मरता, क्योंकि साकामोतो उससे बहुत दूर होता है। उसके बाद वो लड़का साकामोतो के ऊपर एक फायर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन साकामोतो पानी में कूद जाता है, जिससे कि उसको आग नहीं लगती। उसके बाद वो लड़का खाने का ट्रंक उठा लेता है और जाने के समय साकामोतो को कहता है, तुम्हारा नाम साकामोतो रियोता है ना? तो साकामोतो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो लड़का कहता है, मुझे पता ही था तुम ही होंगे। उसके बाद वो लड़का सारा खाना लेके बाहर से चला जाता है। उसके बाद वो पुराने घर को दिखाता है, जहाँ पे बैठ के साकामोतो खाना बना रहा होता है, और वो खाना बनाते बनाते ये सोच रहा होता है कि उस लड़के को मेरा नाम कैसे पता। और तभी उसे याद आता है और फ्लैशबैक दिखाता है। फ्लैशबैक में साकामोतो की स्कूल लाइफ को दिखाता है। उसके स्कूल में एक लड़का था, हैंडसम, टॉल, जो पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, यहाँ तक कि लड़कियों के साथ बात करने में भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। लेकिन उस लड़के के साथ साकामोतो का बहुत अच्छा दोस्ती था। उसका दोस्ती इतना ही अच्छा था कि साकामोतो ने उसके क्रश के बारे में भी उस लड़के को बता दिया था। और फिर एक दिन कुछ लड़की उस लड़के के ऊपर भड़क जाता है, तो साकामोतो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लड़का कहता है, मैंने 2-3 लड़की को एक साथ डेट किया था और मैंने तुम्हारे क्रश के साथ भी सेक्स किया है, जिससे कि साकामोतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद मुक्का ही मुक्का पेलता है, उसको बिल्कुल ही पेल के रख देता है। और तभी साकामोतो को उसके बारे में याद आता है कि वो लड़का कौन है। और उसके बाद टायरेसान का पैर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि उसके दवाई के लिए साकामोतो, हिमिको और दाते एक पुराने घर पे जाता है। और जाने के बाद तीनों अलग अलग होके दवाई ढूंढने लग जाता है। और उसके बाद दाते को एक घर में दवाई मिल भी जाता है, और वो सारे दवाई एक ट्रंक में भर के साकामोतो के हाथ पे दे देता है। उसके बाद साकामोतो रेडार सिग्नल से हिमिको को बुलाता है। तब वो जब रेडार फायर कर रहा था, तब वो देखता है कि हिमिको भागते हुए उसके पास आ रहा है और कहता है, साकामोतो उस ट्रंक को फेंक दो, उस ट्रंक में बॉम्ब है। और तभी वो ट्रंक फट जाता है और हमारा 10th एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो 11th एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें 10 मिनट पहले की एक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमिको उस बुरी औरत के साथ बात कर रहा होता है और कहता है, हम तीनों यहाँ पर टायरेसन के लिए दवाई लेने के लिए आए हैं। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, तीसरा आदमी कौन है? तो हिमिको दाते को दिखा के कहता है, वो है हमारा तीसरा साथी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत दाते को देख के पहचान जाती है और वो कहती है, ये वही डॉक्टर है जिसने मेरे साथ ऐसा किया, जिसने मेरा हाथ काट दिया। जिससे हिमिको समझ जाती है कि दाते ने जो ट्रंक साकामोतो को दिया है, उसमें रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है। लेकिन वो कुछ करती उसके पहले ही बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फटता है, हिमिको बैठ के रोने लग जाती है। वो सोचते हैं कि साकामोतो के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक साकामोतो था तब तक मेरे पास लड़ने की शक्ति थी, मेरे पास तो अभी लड़ने की भी शक्ति नहीं है। उसके बाद दाते भाव पे आता है और एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन वो बॉम्ब हिमिको के शरीर पे लग के वापस आ जाता है, लेकिन वो बॉम्ब नहीं फटता। यहाँ के बॉम्ब का एक रूल है कि जब तक उस बॉम्ब का ओनर नहीं मरता, तब तक उस बॉम्ब को दूसरा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब वो साकामोतो का बॉम्ब है, इसका मतलब साकामोतो अभी तक नहीं मरा। और उसके बाद साकामोतो पीछे से आता है और हिमिको को कहता है, मैंने जब रेडार फायर किया था, मैंने देखा था कि तुम भाग के आ रही थी, और तभी मैं समझ गया था कि इस ट्रंक में बॉम्ब है, और मैं इस ट्रंक को फेंक के नीचे कूद गया था, जिससे कि मैं बच गया था। उसके बाद साकामोतो उसे पकड़ लेता है। तब वो बुरी औरत आ जाती है और कहता है, मैं इसे मारूंगी, तुम लोगों को अपना हाथ गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो बुरी औरत उसे मार नहीं पाती और डॉक्टर दाते को उसके साथ ले जाती है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस सीज़न का लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखा जाता है टायरेसन को, जो कि अपने बीवी बच्चे के बारे में सोच रहा होता है, अपने घर जाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। और उसके बाद वो शैतान बन जाता है, शैतानी हंसी हंसने लग जाता है।
उसके बाद हिमिको और साकामोतो वापस आता है और सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी साकामोतो को होमिंग टाइप बॉम्ब का साउंड आता है। होमिंग टाइप बॉम्ब एक तरह का बॉम्ब होता है, अगर उस बॉम्ब पे कोई किसी का फोटो लॉक कर देता है तो वो बॉम्ब उड़ के उसके पास जाके फटता है, और ऐसा बॉम्ब सिर्फ टायरेसन के पास ही है। तो साकामोतो देखता है कि एक बॉम्ब उड़ के उसके पास आ रहा है, तो वो एक बड़ा सा रॉड लेता है और उस बॉम्ब को उसके पास आने से पहले ही वो उसे तोड़ देता है। ऐसे दो तीन बॉम्ब को वो तोड़ता है, लेकिन एक बॉम्ब साकामोतो के पैर के पास जाके फट जाता है, तो साकामोतो नीचे गिर जाता है और उसके पास हिलने की भी ताकत नहीं होती। उसके बाद वो लोग देखता है कि एक और बॉम्ब उड़ के उसके पास आ रहा है, तो हिमिको सामने खड़ा हो जाता है और उस बॉम्ब को अपने हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन वो बॉम्ब नहीं फटता। हिमिको उसे कहता है क्योंकि इस बॉम्ब पे जिसका फोटो लॉक होता है सिर्फ उसी के पास जाके फटता है, अगर ये बॉम्ब किसी और के पास आ गया तो वो बॉम्ब नहीं फटता। तो हिमिको वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और साकामोतो को उसको देख के पता चल जाता है कि हिमिको वही लड़की है जिसके साथ वो बटूम गेम में गेम खेला करता था, क्योंकि हिमिको उसे भी वहाँ पर ऐसे ही प्रोटेक्ट करती थी। उसके बाद एक और बॉम्ब का साउंड आता है, तो साकामोतो सोचता है टायरेसन इतना ज़्यादा बुद्धू नहीं होगा कि वो एक और बॉम्ब वेस्ट करेगा, तो साकामोतो सोचता है कि इस बॉम्ब पे शायद हिमिको का चेहरा लॉक किया हुआ है, इसलिए साकामोतो सामने कूद जाता है और उस बॉम्ब को पकड़ लेता है और वो बॉम्ब नहीं फटता। इसका मतलब वो बॉम्ब हिमिको की तरफ लॉक था। और उसके बाद टायरेसन बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि टायरेसन के दिमाग को साकामोतो पढ़ लेता है, इसलिए टायरेसन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, रेडार ऑन करता है और उस रेडार में वो लोग टायरेसन को पकड़ लेता है, तो टायरेसन वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक ऊपर खाई से नीचे गिर जाता है। वो खाई ज़्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन उस खाई में बहुत सारे जाइंट लिजार्ड्स होता है, तो वो सोचता है कि मेरे बुरे कामों का फल है ये। और उसके बाद टायरेसन उस होमिंग टाइप बॉम्ब से खुद का ही सेल्फी लेके खुद को ही पेल देता है। उसके बाद साकामोतो और हिमिको उस टूटे फूटे घर में आता है और साकामोतो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, तो हिमिको उसे पूछती है क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो, तो साकामोतो कहता है हाँ मैं इस हेल से इस नरक से वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। तो हिमिको सामने आता है और उसे कहता है हमारे पास 6 चिप है और तुम मुझे मार के मेरा चिप भी ले लो तो तुम्हारे पास 7 चिप हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में 1 चिप है, 8 चिप मिला के तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। तो हिमिको कहता है मैंने बहुत पहले ही जीने का होप छोड़ दिया था, बस तुम्हें देख के मेरे में जीने की फिर से आशा जगी, अगर हम दोनों नहीं बच सकते तो हम दोनों में से कोई एक बच जाए तो यही बहुत ज़्यादा है। तो साकामोतो सामने आता है और उसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं इतना भी घर जाने के लिए ऑब्सेस्ड नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मार के तुम्हें सेक्रीफाइस करके मैं घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद साकामोतो हिमिको को कहता है चलो हम दोनों साथ में इस आइलैंड से घर जाएंगे, और उसके बाद वो दोनों एक किस करता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। रुको 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 रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला था ना तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिस लिंक पे जाने के बाद तुम इस एनिमे को देख पाओगे यूट्यूब पे फ्रीली, लेकिन वो एनिमे इंग्लिश में डब है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तुम लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करो या ना करो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, या फिर मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ कि या नहीं करूँ, कमेंट ज़रूर करना।